तो मेरे भाई आज अभी आए हम रायपुर साइड, और अभी हमें भाई द गढ़वाल ज्वेलर्स के पास में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है भाई अभी हम। तो लाइट है ब्रेजा की हाफ लाइट, यानी कि वो भाई पड़ रही है 3800 तक की, जो ओरिजिनल है, मतलब हम स्पेयर पार्ट ओरिजिनल से ले जा रहे हैं। और अभी हमने भाई जो लोकल मार्केट होता है उसके अंदर भी पूछने के लिए बोल रखा है एक बंदे को, ज़्यादा जैसा होगा तो देखेंगे। बोल रहा वो तो बोल रहे कि 2200-2300 रुपए की है। बोल 2200-2300 की ओरिजिनल थोड़ा ना मिल जाएगी। मैंने कहा यार 1000 रुपये थोड़ा ना महंगा लेगा ये पूरा। वो बोल रहा ओरिजिनल है, या तो समझ नहीं पा रहा रिफ्लेक्टर वाली है या एलईडी वाली है। तो भाई अभी जो है हमने यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट है लाइट का वो परचेज कर लिया, ये यहाँ से आप देख रहे होंगे मारुति के शोरूम से। और ये सरदारा की रोड है भाई, जो सामने देख रहे हो आप वो सामने की तरफ को, आगे की तरफ। और ये रायपुर के लिए जेनवन पार्ट का है ये वाला, ये ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये ले रखा है हमने। बाकी भाई आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइट जो इतने की पड़ती है क्या सिंगल हाफ लाइट? पहले भाई ये सिर्फ सिंगल लोड थी, इतने इतने जितना आपको ये वाइट लाइन दिख रही होगी इससे थोड़ी बगल में तक थी, पर अब थोड़ा चौड़ी कर दिया, अब थोड़ा और इधर भी कटना शुरू हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। बट पहले जो है बहुत ज़्यादा पतली थी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है इस पर, सुबह शाम हर समय ट्रैफिक। ये भाई परेड ग्राउंड है, आप देख रहे होंगे मेरे दाई साइड में पूरा का पूरा, इधर की तरह। और ये भाई मेरे बाई साइड में है तिब्बती मार्केट, पूरी तिब्बती मार्केट है भाई ये आप देख रहे होंगे। और इधर ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये परेड ग्राउंड का देहरादून का जो है। और बाई तरफ सॉरी पूरा जो है तिब्बती मार्केट, काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं भाई यहाँ पे। प्राइस भी महंगी रहती है पर कपड़ा भी बढ़िया रहता है। नाम मात्र का और का भाई, राजधानी रोड ऐसी हो रही है ख़त्म एकदम, जिसे बोलते हैं रोड दिखने के लिए सीधी है पर है नहीं सीधी, बंप देखो इनमें इतने ज़्यादा उछलना हो रहा। ये देखो भाई अभी देख लो वीडियो में, बाद में पता नहीं कब देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा।
तो भाई उम्मीद है आपने वीडियो देख ली होगी। और उसके बाद यार हम जो है घर आ चुके थे, ये तो नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। और बाकी जो जो लाइट थी यार, वो जो लेके आए थे हम, उसमें जो है हमें फ्रंट की तरफ से लॉक नहीं दिए, और वो शायद से मारुति की तरफ से आती भी नहीं है। बट यार मारुति को सोचना चाहिए, इतनी महंगी जो है कोई लाइट ले रहा है तो उसमें प्लास्टिक के 5-10 रुपये के नट अगर वो डाल देंगे तो कुछ इतना मुझे नहीं लगता कोई बड़ा होना घाटा हो जाएगा। प्लास्टिक के नट हैं वो भी, वो सिर्फ लॉक टाइप के होते हैं, वो लाइट को आगे की तरफ से अंदर को अटकाने का काम करते हैं, बस इतना है। अब यार इतनी महंगी कोई लाइट चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है लाइट का कहीं ना कहीं चीज़ें टूटती हैं, तो उन वजह से कंपनी को सोचना चाहिए ये चीज़ जो है जब कस्टमर लेता है ये चीज़ें तो। और उसके बाद भी वो नट जो है वो लॉक जो है वो कहीं भी मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, तो हमने वो अभी ऐसी फिट कर रखी है, वो झड़ भी सकती है कभी भी, वो पीछे से बस 2 नट से ही अटक रखी है वो लाइट। तो बस इतना था यार इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे।